हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेडाज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अब ये है, आज है डेट 24 मई और अभी हो रहे हैं सुबह के टाइम 9:30 बज रहे हैं। यहाँ मैंने अपनी सारी नाश्ते वगैरह की तैयारी कर ली है और मैं ले रही हूँ चाय एक बार फिर से। कई कई दिन ना ऐसे लो सा फील होता है, तो रात भी लेट सोई थी, अभी मॉर्निंग उठ गई, चाय पी रही हूँ तो दोबारा सोचा चाय पी लेती हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने आज आपको मेरी स्किन कुछ एक्स्ट्रा ग्लो दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे ये सब। तो मैं बताती हूँ मैंने रात को क्या लगाया था। सुबह का और मॉर्निंग का मेरा स्किन केयर रूटीन मैंने करना शुरू कर दिया है। कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे उस दिन, आपको बर्थडे गिफ्ट वाले में दिखाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे कि लॉकडाउन है, अपनी स्किन की बॉडी की कैसे केयर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं कि आपकी स्किन, हमें पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, कहीं सलून वगैरह ना जाना पड़े। तो देखिए, जैसे थ्रेडिंग, अपर लिप्स वगैरह ये सब है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाई दूंगी। बट इसके अलावा हमारी स्किन, जैसे कि कोई मेड वगैरह भी नहीं आ रही है, हेल्पर नहीं आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो खुद काम भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया ना, काम ज़्यादा हो गया तो स्किन पे फ़र्क दिखता है। उसके लिए हमें चाहिए अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करना, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है जिसकी वजह से आज स्किन इतनी ग्लो कर रही है। कुछ दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं जिनको मैं ट्राई कर रही हूँ। बट जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेती हूँ और मेरे को फ़र्क नहीं लगता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे अच्छा ग्लो दिख रहा है, देखिए, ठीक है, ये उसी की वजह से है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। सब हो गई है रात और मैं अपने फेस को कर रही हूँ क्लीन। आज बहुत डल सा फेस हो गया है ना, तो मैंने मंगाया था उस दिन, मैंने जब पर्पल से अपने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, वाइब्स का चारकोल। आप लोग काफ़ी दिन से क्वेरीज भी कर रहे थे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स की, आप हमें बताइए कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये मंगाया था। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। इस टाइप से ये फेस वॉश है, गुड वाइब्स के डीपली क्लीन एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश में है डिटॉक्सिफाइंग करने की प्रॉपर्टीज़। ये स्किन के ओपन पोर्स को डीपली क्लीन करने में हेल्पफुल है, स्किन को डीपली क्लीन करने के साथ साथ सॉफ्ट और सपल बनाता है। ये है गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल, तो इसको मैं ट्राई करती हूँ। अभी रात में सोने से पहले मैंने सोचा फेस पे थोड़ी सी मसाज कर ली जाए। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबिन और सल्फेट नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। ये ऑरेंज जेल यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें है रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस है, तो ये है इस तरह से इसका जेल आता है और प्रॉपर ऑरेंज जैसा है, इसकी एकदम रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है रेडिकल्स डैमेज से, ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इसको आप कई मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, इसके आप डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी मसाज करूँगी, आप किसी पैक वगैरह में मिला सकते हैं हेयर पे, स्किन पे, ठीक। तो ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगी डर्मडॉक की नाइट क्रीम, ऑयल कंट्रोल नाइट क्रीम है। जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है, मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, और मुझे थोड़ी सी स्किन पे ओपन पोर्स की और ऑयल की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये नाइट क्रीम, डर्मडॉक की नाइट क्रीम। इसको डेली नाइट में अप्लाई करने से हमारे ओपन पोर्स के साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी और इम्परफेक्शन को फेड और डिमिश करने में भी हेल्प करेगी, और आपके स्किन के जो है कॉम्प्लेक्शन उसको ब्राइट करती है, फेयर नहीं मतलब ब्राइट करने में हेल्प करती है। जब स्किन इवन हो जाती है तो अपने आप ही वो ब्राइट होने लगती है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसको। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, तो इन पर आपको ऑफ भी मिल जाएगा। हमारे घर में तुम कह रहे हो भी मतलब पहले नकल गाइस, जैसे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं अपनी सब्जी वगैरह की रेसिपी हमेशा शेयर करिए, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की इजी सी रेसिपी। इसको मैं कुकर में बनाऊंगी, तो मैंने ऑयल में जीरा डाल लिया है और डाला है प्याज, लहसुन, अदरक, इन तीनों को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हींग, कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और साथ में डालेंगे कसूरी मेथी, उसको थोड़ा सा हाथ से कर लेंगे, तो वो उसको डाल देंगे। बाद में डालूंगी मैं थोड़ी सी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इनको अच्छे से भून लेंगे, साथ में डालेंगे नमक,
अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टमाटो सॉस, ठीक है, इससे कलर और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। अभी अच्छे से भुन जाएंगी तब इसमें मैं टमाटर मटर डाल दूंगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गोभी भी कर ली है पराठे के लिए। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी को हाथ से दरदरा सा पीस लेंगे, और साथ में डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग और नमक वगैरह, ये सब डाल के हाथ से मिला के रख दूँगी। ये मेरा नाश्ते के लिए हो गया है, और लंच के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई है, मटर अच्छे से भुन गई है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी एक कप नहीं, 2-3 चम्मच इसमें मलाई डाल दूँगी, और पनीर डाल देंगे अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट पनीर डाला है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सीटी लगा देंगे 2-3। इससे क्या है, एक तो पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मटर भी सॉफ्ट हो जाती है। कुछ लोग कढ़ाई में बनाते हैं, बट मुझे कुकर में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो कढ़ाई में बनाते हैं उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है कि कई बार मटर कच्ची रह जाती है। तो जब हम सुबह की चाय बनाते हैं तभी साथ में अपनी सब्जी लंच की तैयारी और नाश्ते की तैयारी मैं कर लेती हूँ। आटा भी यहाँ लग गया है, इनके सारे बर्तन खाली करके रख दूँगी, ठीक है। अभी चाय वगैरह सब पी लेंगे तो वो सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको फिर एक बार हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से सुबह का काम बहुत ईजीली और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पीछे चल रही है चीकू और मीकू की मस्ती, बट अभी कान्हा नहीं उठाया सोके, तो ये दोनों उसी को उठाने में लगे हुए हैं। और आज मैंने प्लान करा है चीकू को आज नहलाते हैं, तो आगे देखिए। चीकू मैं आ रही हूँ, दूर से फेंक दे, लेके आ गए। तो अब खाना भी सो के उठ गया है, इसको थोड़ा सा चाय, ब्रश, नाश्ता वगैरह, इसका डेली का रूटीन थोड़ा सा मैं ही कराती हूँ अभी। एक तो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, बट धीरे धीरे इनको आदत डालूंगी, अभी खुद से करने लगे। तो उसके बाद मैं करती हूँ अपने फिर डेली रूटीन, जैसे कि ये बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, इनको साफ़ करती हूँ फटाफट, ठीक है। नहाने से पहले ही मैं ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि कपड़े गीले ना हो बाद में। यहाँ तो मैंने कैमरा फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया था ताकि ये स्पीड में दिखा रहा है, बट इनको करने में आपको पता ही है टाइम लगता ही है, ठीक है। और डेली व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप तो डेली के काम करो फिर ये सब कुछ शो करना। बट मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी आप डेली का रूटीन शो करिए, आप जो करती हैं डेली क्या करती हैं। तो ऑलमोस्ट इसी तरह हमारा डेली रूटीन होता है, सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना चाय नाश्ता बनाना, लंच की तैयारी करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, बच्चों को नहलाना, ठीक है, और सबका नाश्ता लंच सब कुछ तैयार करना, फिर वीडियोस वगैरह बनाना। इसके बीच में जो हमारा रेस्ट टाइम होता है उस टाइम पर हम वीडियोज़ बना लेते हैं या फिर काम करते हैं यहाँ वहाँ, बीच में हम वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि किसी को कहीं आना जाना है नहीं, अभी सब घर पर ही हैं, तो इतना कहीं है नहीं कि हमें बहुत जल्दबाजी में काम करना होता है, तो सब रिलैक्स रहते हैं, तो आराम से हम सब मतलब अपना टाइम पास भी होता रहता है, और साथ में ये सब भी होती रहती है, हमारी इंस्टा वीडियोस वगैरह बनती रहती हैं यहाँ पे भी। तो डस्टिंग वगैरह हो गई है, और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू वगैरह, उसके बाद बच्चों को नहलाना और ये सारा काम होगा, और पोछा लगाती हूँ सबसे लास्ट में ताकि घर में गीला गीला ना रहे, फिर सब बस नहा धो के बैठ जाते हैं तो फिर एकदम साफ सुथरा घर पड़ा रहता है।
जाओ चीकू है नहाएगा यू हाँ ले जा इसे ले जा चीकू ले जा नहा ले सारे बच्चे नहा रहे डेयरी मिल्क के बहाने या नहा देंगे गर्म पानी में आ जाएगा गोदी में उठा ले गोदी में ले लो गोदी में ले लिया तू तो जाएगा ये इसकी है वो जिसका आज उद्घाटन होएगा 2 महीने बाद मत घुस के बैठे चला की मत कर खरगोश आता नहा लिया बच्चा आता बच्चा नहा लिया ले ले लाइट मिक्स है एक ऊपर डाल डाल कर दो इसको सोप मिक्स कर दिया मैं ऐसे डाल देना थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं बेटा पैर रगड़ दो एक चीका बिल्ला आज तो भीगा बिल्ला बन गया रे देखो इसका गुस्सा देखो चल नहा ले आजा फिर से नहा ले एक बार और यहाँ ये लोग टब में नहाने में मशगूल हैं और चीकू बस अपना चिड़े जा रहा है उसको समझ नहीं आ रहा वो गुस्से में क्या करे यहाँ मैं ढूंढ रहा है कुछ अपना गुस्सा निकालने के लिए नहा के इससे गुस्सा निकालेगा अब कहना क्या कर रहे हो बेटा कौन सा गेम है बेटा PS4 में कौन सा गेम खेल रहे हो बेटा स्पाइडरमैन है अरे वाह वेरी गुड चीकू क्या हुआ नहा लिया तुम चिढ़ गया क्या और क्या कर रही हो राजी घर के काम और ये ऐसे थोड़ी फिल्मी स्टाइल में अपना वो लो पोछा और अपना बैठ के बाल्टी में अच्छे से अपना चमका दो फरसन ने कैसे दिखाइए एक बार करके डेमो दिखा दो कल से मैं कर दूंगी अपने वाले का डेमो दो वो ना बेटा उसे शरीर एकदम बिल्कुल फिट हो जा हाँ तब तो मैं फिट हूँ हाँ मेरी अंतरा झड़ पोछा चलो लगाओ सही आज सफाई से हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं है क्योंकि आज जो सफाई कर रही है वो है राशि तेरा मतलब कहा हमारे से अब तेरे क्या टेंशन ले दी राम जादा देखो देखो चलता काम हो रहा है ना तुम मतलब परफेक्शनिस्ट बनो ना चमका दो तो बिल्कुल अच्छा पोछे में ऐसा आ गया तो कोई डांट तो नहीं पड़ेगा मैं चलो भाई ठीक है आजकल ये भी ट्रेंड है कि पोछा में कोई घुस जाए तो लटपट जाओ मैं अच्छा नीचे तक अच्छे से जब मम्मी मम्मी साफ करेगा रही ना तो पलंग पलंग ना हटा के और फिर साफ करेगा रही मेरी मीडिया ना बनाएगा पलंग साफ
बनाती है मम्मी, तो अभी भी पिलंग है ऐसे एक हाथ से हटा के और सब चमका रहे। लौट लौट के ना बैठ बैठ के ना बैठ बैठ के अच्छे से करो बराया था ना, चलता काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। देखो यू आर ऑन कैमरा। थोड़ी देर पहले कह रहे थे जगह रहने साफ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेचारी परेशान हो रही है मतलब कि ऐसे ही झाड़ू मार कर अपना हल्की फुल्की झाड़ू मार कर अपना हट जा। वैसे भी थोड़ा लेट है आज, टाइम आप देख सकते हो 11 बजे हैं, थोड़ा सा लेट है हम, बट चलो राशि के किस्से। नहाली हूँ और अब होने वाली हूँ रेडी, ठीक है। जैसे कि रात को मतलब पूरे दिन में नहा धो के, इस टाइम पे इतनी गर्मी भी हो रखी है, अब मुझे नहाने के बाद अपना थोड़ा सा फेस केयर रूटीन करना है। आजकल मैंने स्टार्ट कर दिया है जो भी मैं यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग जानते ही होंगे मुझे जो पहले से देखते हैं मैं क्या लगाती हूँ अपनी स्किन पे, और जो मैंने अभी कुछ ऐड करा है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, बट नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, आपने देख लिया चीकू किस तरह नहाया, इनकी मस्ती आगे और दिखाती हूँ, बट अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दो, पहले लाइक कर दो, बेल आइकन क्लिक करके रखना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, बाय बाय।